अपनी टूरिज्म की लैंड बैंक हम सबको बता रहे हैं। टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के बदलते दौर में हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन रही है, दिन दूनी रात चौगुनी। इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था, अभी इंदौर तो अपना है ही, वैसे भी इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार में आगे, है ना राजेश भैया? इंदौर किस बात में आगे? तो मैं ऐसे एक पत्रकार से इंटरव्यू ले, उसने कहा भैया देखो इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार व्यवसाय में आगे, आबादी में आगे, दूसरे सारे काम धंधों में आगे, कला में, संगीत में, साहित्य में, सब में आगे। और बोले आप सभा 230 विधानसभा में सीएम भी नंबर वन की सीट पे बैठता था, और आपने बोला अपने पास रख लिया तो आप भी इसमें आ गए। तो आप इंदौर को आपने सफल इन्वेस्टर सबमिट कर दी, तो आप इंदौर में क्यों नहीं कर रहा? तो मैंने कहा इंदौर में नहीं कर रहा मतलब? बोले इंदौर सब में आगे। तो मैंने कहा मेरे को मालूम, इसलिए तो सबको इंदौर बनाना, हम लोग क्या तकलीफ है, पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर बनाना, इंदौर भी मध्य प्रदेश में तो है। तो इंदौर के साथ बाकी चीजों में भी सब क्षेत्रों में चल,